नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सिद्धार्थनगर जिले में ऊर्जा महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनय वर्मा ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। इस मौके पर जिलाधिकारी सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। ऊर्जा महोत्सव के अवसर पर उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन धारक 25 लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राजीव रंजन ने कहा, इस कार्यक्रम का मकसद केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में किए जा रहे बिजली के आवश्यक कार्यों को लोगों तक पहुँचाना है, साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा कर इसमें गति प्रदान करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और प्रदेश के हर गांव में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य की 100% प्राप्ति भी हुई है। इसका मोटिव ये है कि अभी जो हम लोग बिजली को लेकर जो काम किए हैं उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देना और साथ में जो इसके साथ जुड़ी हुई चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के बारे में जानकारी देना, ये कैसे ऊर्जा संरक्षण का जरूरी है, किस तरह से जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को है उस पर निर्भरता अपनी कम करनी है और साथ में जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज है उसको बढ़ाना है, तो इस दिशा में तमाम जो व्याख्यान हुए जो उनके जो डिपार्टमेंट से लोग हैं उन्होंने बताया लोगों को कि कैसे नवनिकृत ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, रूफटॉप सोलर जो पावर का ये है उसके बारे में लोगों को बताया गया कि लोग इससे जुड़े और तमाम जो हमारी योजनाएं हैं जिसको जो समाधान योजना के तहत ये सब जो है ये सब के बारे में बताया गया। कितना प्रभावशाली होगा? निश्चित तौर पर यह प्रभावशाली होगा क्योंकि ये सबसे बड़े उपभोक्ता तो आप लोग हैं, आप लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि पिछले कई सालों में जो सुधार हुआ है ये आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे। कुछ कमियां जो हैं निश्चित तौर पे है, उस कमियों को भी हम लोग उसको निर्धारित करने का उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।